हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है नीता गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। मैं आज आपके साथ चीज वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के टिफिन के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए या शाम के नाश्ते के लिए। देखिए हमारी सैंडविच कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है और इसके लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत होती है, चलिए हम आप देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। वेज चीज सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ, ये आधा आलू है। उसके बाद हमको चाहिए हरी मिर्ची एक बारीक कटी हुई, गाजर आधी बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च, प्याज, सब्जियां आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से ले सकते हैं, टमाटर एक टमाटर बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का, इसके अलावा ये चाट मसाला, काली मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, मैंने ये वेज मेयोनीज लिया है इसमें डालने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वैसे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया, नींबू का रस, और अब आप इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें सभी सब्जियां हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ले सकते हैं। वेज चीज़ सैंडविच बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। हमने ये दो ब्रेड स्लाइसेस ले ली है, इसके ऊपर हम ये वेजिटेबल्स जो हमने बनाई है इसकी कोटिंग कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, कॉर्न, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सभी वेजिटेबल आप ले सकते हैं। देखिए अब हम इसके ऊपर ये चीज़ की एक स्लाइस ली है, मैंने स्लाइसेस के रूप में लिया है चीज़, आप चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी स्लाइसेस पे हमने ये लगा, मेरे पास स्लाइस था, इसके साथ सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। कोट करना है, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत पसंद आता है। देखिए ये दोनों तरफ अच्छी तरह से कोट हो गया है, अब हम इस स्लाइस को इस चीज़ वाली स्लाइस के ऊपर रख देंगे। अब ब्रेड को सेकने के लिए हम एक पैन लेंगे, इस पे हम डालेंगे बटर। फ्रेंड्स इसको बटर में ही सेकेगा या फिर घी में सेकेगा, ऑयल में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको सेकेगा। बटर पिघलने के बाद, बटर हमारा पिघलना शुरू हो गया है, हम गैस की लो बिल्कुल धीरे कर देते हैं क्योंकि हमको बिल्कुल इसको सिंपल ही सेकना है। अब हम धीरे धीरे से दोनों सैंडविचेस रख देते हैं, ये देखिए, और एक तरफ इसको ढंग से सेकना है एक तरफ। लो मीडियम फ्लेम तक 2 मिनट सेकते हुए हमको इसको चेक भी करते जाना है, नीचे से ब्राउन चाहिए हमको, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसको पलट देते हैं, दूसरी सैंडविच को भी काफ़ी अच्छी सिक गई है, ये आसपास जो बटर है हम इसको भी इसमें ले लेते हैं क्योंकि हमको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, और बिल्कुल कम आंच पर हमको इसको सेकना है, तभी हमारी ब्रेड एकदम क्रिस्पी बनती है। सर्दी होने की वजह से बटर बिल्कुल जम गया है, ये घर में बनाया हुआ बटर है, आप चाहें तो बाजार का बटर भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए इस तरफ से भी बहुत बढ़िया सिक गई है। इस तरह से अलट पलट कर इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे हम। एकदम क्रिस्पी हो गई है हमारी सैंडविच। हमारी सैंडविच इसे ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेज चीज मेयोनीज सैंडविच तैयार है। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आपको मिल जाएं।